ये मेरे पीछे होटल दिख रहा है ना, यही भगाया था हमको। उसकी गलती नहीं है यार, उसने प्यार से बोला निकलो हराम करो, हमने सोच लिया गलत बस। तो गाइज गुड मॉर्निंग, हम लोग अपना होटल को चेकआउट कर दिए। होटल वाला भी क्या है ना, देखो 12 बजे का चेकआउट टाइम था, क्या हो रहा है 4:50। अब वो क्या है ना, 3,000 रुपए में कितने लोग को रहेगा इतने दिन। वो थक हार के ना 5 बजे हाथ जोड़ के बोला भैया आप पहले चले जाओ यहाँ से। पहले आया 2 बजे उठाने को नींद से, बोले भैया चेकआउट। पहले हम उसको आया होटल वाला हमारे पास 2 बजे, क्योंकि हम उसको सुबह ही बोलते थे 12 बजे हमको चेकआउट मत करवाना, 2 बजे करवाना। 2 बजे के बाद आया 3 बजे, फिर 3:30, 4, 4:10, 4:15, 4:20, 4:30, 4:50 बजे तो आके बैठ गया था वो। फिर वो क्या बोला, यहाँ तो भैया आप एक रूम का एक दिन का एक्स्ट्रा दो, यहाँ तो आप अभी खाली करो। तो हम लोग तुरंत क्या बोले उसको, पैसा निकाल करी, इतना ज्यादा बात कर रहे हैं, पैसा निकाल अपना और ऑटो बुला जल्दी। फिर अभी स्नान करने जाएंगे गंगा जी में, बनारस एक्सप्लोरिंग वाराणसी। शाम को पूजा में भी जाएंगे। हाँ शाम को पूजा में भी। तो गाइस मैं फर्स्ट टाइम बनारस के 80 घाट में जाने वाला हूँ। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा है, ये तो हरिद्वार से बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। ये देखो आरती होती होगी यहाँ पे पक्का, ये जो बना हुआ है ना प्लेटफॉर्म खड़े होने के लिए, यहाँ पे शाम को आरती में भी रहेंगे। अभी नहाने जाएंगे वहाँ पे। क्या खाओगे आप? जो मैं बोला ये कुछ बोला है क्या बनाने, मैं बोला मेरे को मालूम था मेरा भाई है। दोनों को भूख तो लगी है, एक तो पापड़ी दोनों पीजिए, एक और देना मेरा भाई तो खाए। देखा मैं तेरे लिए कितना सोचता हूँ, आप ही होते तो क्या होता होगा, मेरा भूखा मर जाता तू। सुनो भाई कुछ खाने को दे दो। एक गोला खा लिया हूँ तो होठ कैसे गुलाबी गुलाबी जैसे हो गए, क्या सेक्सी पाउट आ रहा है मेरा। ये रही हमारी नाव, हम लोग जा रहे हैं नाव में। ये तो खतरों के खिलाड़ी अलग चल रहा है। ये हमारी नाव, मैं बैठ रहा हूँ जाके एकदम आगे पे। भाई 15 मिनट से बोट नहीं निकाल पाया, ये वो आदमी खुद हाथ से निकाल रहा है। दो घंटा मुश्किल करने के बाद ये लोग बोट फाइनली निकाल दिए पानी में। भाई वहाँ पे कितना भीड़ है एक बार देखो, करी शाम के टाइम पे 5 गुना भीड़ हो जाता है। पीछे देख लो आप लोग, मणिकर्णिका का घाट, लोग को जलाया जाता है वहाँ पे। नहीं वो तो ठीक है, मैं बोला था चला यार। गाइस ये लोग हमको पूरे घाट घुमा करके वापस वहीं पे लाके छोड़ देगा कपल। और देखो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं लोग। तो गाइस वो हमको बोट में घुमा कर आया, उसके बाद क्या ना अपन सुबह से अभी तक नहाए नहीं थे, फाइनली हम लोग गंगा जी में नहा लिए, पूरे पाप धुल गए, पूरे पाप मैं प्योर हो गया, फुल प्योर। गाइस हम लोग गंगा जी में नहा के अब आ गए गंगा आरती अटेंड करने के लिए। गाड़ी जल्दी है ना, ये भी है व्लॉग में, ये भी है व्लॉग में। गाइस इस घाट के जस्ट बाजू में एक और घाट है, वहां पे भी बहुत बड़ी पूजा हो रही है, रुको उसके सामने से वीडियो बनाता हूँ। हाँ तो गाइस हम लोग अभी गंगा जी की आरती अटेंड किए, फिर एक दुकान दिख गई हमको, तो मम्मी लोग के लिए कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, चप्पल सैंडल, मेरे किसी फैन की दुकान है वो। मम्मी के लिए और अम्मा के लिए यहाँ से लिया हूँ सैंडल, सोचो अपनी वाली को कुछ नहीं दे रहा हूँ, सॉरी मेरी वाली तो कोई है ही नहीं। अच्छा हमको सिखा रिया है। अभी निकल गए हम लोग यहाँ से लेके अयोध्या बाय रोड, कितना किलोमीटर है मोटा मोटी, 200 या 250 किलोमीटर है, 4-4.5 घंटे लगेगा, मैप दिखा रहा है। हम कितनी देर में पहुंचेंगे? घंटे में, हम 2 घंटे में पहुंच के वहां पे चेक इन करते हैं। चेक इन आज सुबह तो होटल वाला कैसा भगाया भाई हमको, गंदा भगा दिया। भगा पाएगा उसको, दो दिन कल नहीं भगाएगा क्योंकि हम दोनों दिन वही वाले होटल में रुकने का सोच लिए अयोध्या में। आज तो हिट कर दिया वो, इतना दरवाजा खटखटाया इतना। एक अच्छा इतना दरवाजा नहीं दिया, नहाने तक नहीं दिया वो हमको। मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, सुनने भाई मैं नहा लेता हूँ थोड़ा सा, मैं वीडियो बनाऊंगा, लावड़ा नहीं बनाने दूंगा बोल। भाई वो जो आपको I-20 दिखाया, वो देखो वो लोग खड़े हैं वहाँ पे उस पार रोड के। यही है मेरा दोस्त रोहित, इसके भाई की शादी है, यूपी का रहने वाला है ये, वो सामने खड़ा है ना। हाँ रोहित, अबे क्या मुहूर्त निकलवाऊं क्या रोड क्रॉस करने का, तुम आओगे इस साइड देखो कहाँ जा जा जा। अरे बाप रे लाइट की बंद कर दिया ये लोग तो, लाइट के लाए थे यानी। हाँ हम रोको ही गाड़ी के लिए, लाइट के लिए था, देखना पे पीछे कार आ रही है, पीछे कार आ रही है, पीछे कार आ रही है, इधर इधर गड्ढे में गिराओ। क्या सामने क्या लटका क्या है? बॉडी बॉडी, ये विशाल है। व्लॉग में आपका वेलकम है, पहले दिन आप ही के नाम से तो दो निकले हैं यूपी के ट्रिप पे। क्यों मेरे को क्या बोला रोहित कि आपके डिक्की में बहुत जगह सामान भर देता हूँ, मेरी डिक्की पीछे देखो इतनी बड़ी जगह थी उस पर, ये पूरी पैक, और ये पहली सीट यहाँ से लेके ऐसा इतना पूरा सामान लेकर आया हूँ मैं।
देख रहे हो मान्यवर के जूते 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। अरे शादी कर ले बेटा, जूते मिलेंगे देख ऐसे। ये यूपी के बच्चे लोग इनका रबड़ निकाल दिए। मैं नहीं आ रहा हूँ भाई, मैं नहीं आऊंगा। इसका लोगो निकाल देंगे वो लोग, खींच लेंगे। ऐसे लग रहा है काला टीका मारा है कोई। हम जा रहे हैं अयोध्या, जय श्री राम। भैया की शादी है ना? हाँ मालूम, अभी मैं लड़कियों को नहीं दिखाना चाह रहा था आपका फेस। चलो 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 बाय, चलो विशाल भैया गुड नाइट। तो गाइस विशाल लोग को हम उनका सामान दे दिए पूरा का पूरा, और अपन निकल गए अयोध्या के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। रायपुर से हम निकले फुल टंकी करा के। ये अभी खाली हुई है ना, करी ये हमारी एक बार अभी खाली हुई है, दो या तीन बार और तो हो जाएगी। क्यों? टोटल तीन या चार तो होना ही चाहिए। हाँ तीन बार तो खाली होगी छोगी। हाँ होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। भाई पेट्रोल है क्या? हाँ डीजल डाल दो इस पे। चलो मैं अगर पेट्रोल होता तो पेट्रोल डलवा लेता। तो गाइस हम लोग एंटर कर दिए पूर्वांचल हाईवे। ये तो पूरा औरंगाबाद हाईवे जैसा बना है, बस थोड़ा इसमें कलर ज्यादा है। बॉम्बे से आए थे? हाँ बॉम्बे से, जब कार लेकर आ रहे थे ना हम लोग, सेम है बस इसमें रेडियम ज्यादा है। अपन वहाँ पे दिन को गए थे तो रेडियम पता नहीं चला। हाँ हम लोग वहाँ पे ख्याल से 12 बजे वाले हाईवे को पकड़े थे, 12:30 बजे 5 बजे तक छोड़ दिए। 5 बजे हम नागपुर में छोड़ दिए थे। मोटा मोटी 600 किलोमीटर चलाए थे हम 5 घंटे में। यहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा है क्या कुछ? हाँ लिखा होगा ना कहीं ना कहीं, देखना भाई चलाना लाना के रखने में। 120 तो भी आते हाईवे की, वही है पूर्वांचल हाईवे। पहुँचने वाले बस 4:37 हो रहा है और ये हल्की हल्की लाइट आनी शुरू हो गई है। अयोध्या के लिए बाए मुड़े, लाइट आ गई है करी पूरी। पप्पा बिजली बिल पटा दिए लग रहा है। क्या आवाज है ये? क्या आवाज आ रही है ये? मैं तेरे को बोला था ना स्त्री पिक्चर यहीं शूट हुई है। हाँ ये यहीं का है कहीं का, ये आवाज वही सब है। ये तो अभी सुबह को आवाज आ रही है, कोई रात को आवाज आएगी तो फट जाएगी उसकी। कोई पैदल चला होगा वो तो दौड़ेगा, मैं बता रहा हूँ 200 की स्पीड में दौड़ेगा। एकदम देखो फिर और तो गाइस जैसे ही हम लोग अयोध्या एंट्री किए, हमारा वेलकम किसने किया है? स्वयं बजरंगबली ने। मजा आ गया क्यों करी? एंट्री कर रहे अभी 27 किलोमीटर बाकी था, मतलब हम लोग का स्वागत हो चुका है। अब तक श्री राम भगवान से जो मांगना है मांग ले, सब बेटा मिल जाएगा। नीचे करके देखना उधर, तीसरा भी किया पीछे चला भी किया। गाइस मैं सोच रहा था यदि क्लिप मेरी मिस हो जाएगी। पीछे कर ले थोड़ा, एक नंबर। बढ़िया किए हैं ये लोग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मेरे कार के मालिक हो आप? दिखा दिखा शर्ट, दिखाओ शर्ट दिखाओ। लेकिन वो बढ़िया टेक्निक से आप लोग किए ना, ठेला कैसे निकाले मजा आ गया। रोज क्या था मजा आ गया देख के। कार निकल जाएगी ना भाई? क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम बताए भैया आप? अरविंद पांडे। बुलबुल पांडे कुछ लगते हैं क्या आपके? तो पांडे जी राम मंदिर अभी कहाँ है वैसे? राम मंदिर तो आपका यहीं पे है, समझ यहीं पे समझ लीजिए, मतलब दिखाओ तो थोड़ा सा। अरे तो कहाँ दिखेगा, वही तो पूछ रहा हूँ कहाँ दिखेगा। दूर से नहीं दिखता, जब चलेंगे तब वो देखिए लिखा है राम जन्मभूमि। अच्छा एंट्री कहाँ से? आगे से है एंट्री। अच्छा यहाँ गाड़ी लगती है, यहाँ से 300 मीटर के मतलब पैदल चलना होता है। अपन वो तो आएंगे कल, अभी जाके थोड़ा विश्राम कर देंगे। 7:18 हो रहा है और हम लोग पहुँचे अयोध्या, और हम लोग ढूंढ रहे हैं होटल बेवकूफ जैसे। इसे मेरे भाई जो चश्मा पहन के बैठा ना हीरो बन रहा है। पूरन में एक मैं ट्रिप में एक होटल देखा हूँ, उड़ते हुए पहुँच रहे हैं। नाम भी एकदम इंग्लिश जो मैं बोल भी नहीं पाऊँ, किर्लोस्कर। हीरे किर्लोस्कर के पास है, कार्लोस के पास है हीरे। करी एक चीज तू नोटिस किया, मैं जो तेको घुमा रहा हूँ ना, मैं रात रात को तेको ट्रेवल करा दे रहा हूँ। जैसी सुबह उठ रहे नई सिटी में नींद खुल रही है डेली, जैसी हम तेको उठा रहा हूँ तेको रात भर घुमा दे रहा हूँ गाड़ी में। अपन मैं क्या बोलता हूँ, एक आध साल का प्लान बना लेते ना। यही तो बात है ना, चाहता है कि हम अपने बाप को रोड पे लेकर ही आए। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। पूरा एक घंटा माथा पच्ची करने के बाद हमने होटल फाइनली ले ली। ये रही हमारी होटल। अरे इसकी माँ का ही गाड़ी दिवस कैसे जा रही है। ये रही हमारी होटल, बस रास्ता गंदा था आने का, रास्ता गंदा था, होटल तो बहुत अच्छी दिख रही भाई। महाराज बाबू के स्वागत में फूल बिछाओ, हम वैले ही करेंगे। लेकिन हमको मात्र सोना है 4 घंटा, 4-5 घंटे के लिए हमने जो एक्टिंग की है अभी। सामान के लिए आदमी भेजो, वैले पार्किंग है कि नहीं, ये क्या होने लगा है हमारे साथ, तेरे को पता है? क्योंकि हमारे साथ काशी में हुआ है।
ये लोग हमको जैसे भगाएंगे ना, जैसे नहीं आज हमारे पास लेकिन एक ऑप्शन है क्या, हम वापस यहीं पे सो जाते हैं कॉलेज। मेरे पास भी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, आज ये होटल अच्छा लग रहा है मेरे को, यहाँ सो जाते हैं। कल वाला होटल भी थोड़ा गर्द था और अकड़ उसकी। गाइस मैं आप लोग को रूम टूर दे देता हूँ। ये हमारा रूम, ये हमारा सामान, ये टीवी में चालू भी हो गया है। अरे वाओ, बोल दिया वो बोला यहाँ कर लो, बोला। रुको जरा, व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी करी और मैं प्लान कर लिए ब्रेकफास्ट, डकार के सोएंगे। हम लोग को ब्रेकफास्ट लेने का मन था नहीं, लेकिन वो क्या बोला, 26 आइटम रहते हैं ब्रेकफास्ट में, 26, 470 पे लिया ब्रेकफास्ट का, 470, 470 इंग्लिश में। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। रॉयल बाल में है, रॉयल बाल रूम में, हमारा ब्रेकफास्ट इधर है, रॉयल बाल रूम, रूम नंबर 204। मैं जमीन में सोता हूँ, ये लोग बेड में। इसको क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स, हेल्थी काउंटर। ये मेरे कोई काम का नहीं, ये सब मैं नहीं खाऊंगा, दही ये सब भी नहीं, हट जा करी। ये है ना मेन चीज़ें, ये ग्रिल टमाटो खाएंगे ये अपन लोग, बेक्ड बीन्स खाएंगे ये तो मेन खाएंगे करी हम लोग। ओट्स भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे। इडली खाएंगे करी, दो टाइप की इडली, कलर वाली एक तो, वाइट वाली। अब अपन ना, चीयर्स।